ये सरकार माहौल जबरदस्त चैप्टर में 21 एडवांस रूलिंग सर ध्यान देना अगर किसी भी एसएससी को सर ध्यान देना अगर किसी भी एसएससी को किसी भी ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ की कोई क्वेरी है और वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में ही में अप्लाई टू हिज ज्यूरिस्डिक्शनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। अब सुनना बेटा इसके लिए प्रोविजन क्या कहते हैं। सबसे पहली बात सर एडवांस रूलिंग को अप्लाई करने के लिए आप भले रजिस्टर्ड हो या सर आप सोच रहे हो कि मेरे को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो उसे कंसर्न नहीं है। अच्छा जो ट्रांजेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन आप ऑलरेडी कर रहे हो या प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय यू है, मतलब आप भले वो एक्टिविटी कर रहे हो या करने वाले हो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इन शॉर्ट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का अप्लाई कर सकते हो भले आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, भले वो एक्टिविटी आप कर रहे हो या करने वाले हो, क्लियर, उसके लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हो। अब इसका सिस्टम क्या है सुनना पड़ो बहुत ध्यान से, क्योंकि एडवांस रूलिंग एक हायर लेवल का अथॉरिटी है, इसने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अपील जो होती है वो केवल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है बेटा, और उसके अगेंस्ट कभी अपील फाइल किसी और अथॉरिटी को नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए दिल थाम के सुनेगा सर ये बाइंडिंग होगा, ध्यान देना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन दैट एसएससी एंड ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर इन रेस्पेक्ट टू दैट एसएससी ओनली, किसी और पे बाइंडिंग नहीं होता है। सुनना बच्चों ध्यान से, एडवांस रूलिंग सर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट के थ्रू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपॉइंट की हुई है, और जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एसजीएसटी एक्ट में अपॉइंटेड है वही सीजीएसटी के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कहलाएगी, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो होगी वो जॉइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर होंगे। ओके सर ये था सेक्शन 96 बोलता है क्या सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को आप किन किन मैटर्स पे एप्लीकेशन दे सकते हो। अच्छा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, पर किन किन मैटर्स पे सर आप देखिए चैप्टर का नाम देखिए बेटर। सबसे पहली बात कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं है, उस पर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आती की नहीं आती है, सर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, क्लासिफिकेशन गुड्स के रिगार्डिंग कोई इशू अगर उनको आता है, क्लियर सर, या फिर सर उनका रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती कि नहीं आती है, इन मैटर में किसी भी उसको क्वेरी है तो ही कैन अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। पर ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर इश्यू है तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई नहीं कर सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट याद है बेटा, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो, ही विल हैव टू रेफर अ गुड कंसल्टेंट बेटा, जो आप लोग होंगे कुछ टाइम बाद। माहौल सरकार सुनना बच्चों ध्यान से, अगर उसने उसने सर इन मैटर्स का क्वेरी है तो वो अप्लाई करेगा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, उसके ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी को। अब उसने अप्लाई किया तो क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहली बात सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसे कंसर्न ऑफिसर से उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाएंगे, और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कोशिश करेगी रिकॉर्ड्स जल्दी से जल्दी उस अथॉरिटी को वापस रिटर्न कर दे सो दैट उसका वर्किंग हैम्पर नहीं हो। ओके अब सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला वो ये है कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वो चाहे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, पर एक केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी, वो केस कौन सा है, अगर जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को उसी एप्लीकेंट का वही मैटर जिस क्वेश्चन पे उसने एडवांस रूलिंग से प्रोनाउंसमेंट मांगा है वही मैटर उसी एसएससी का अगर किसी भी अथॉरिटी के पास पेंडिंग है या उसने कोई डिसीजन पास कर दिया है ऑर्डर पास कर दिया, कोई भी अथॉरिटी हो भले वो अपीलेट हो या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो, उसने अगर मैटर को जजमेंट पास कर रखा है या पेंडिंग है मैटर उसके पास, तो ऐसे केस में जैसे शोकोस नोटिस सर हो गया मतलब पेंडिंग हो गया या कोई ऑर्डर पास हो गया तो सर उसी मैटर पे उसी एसएससी के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कभी भी प्रोनाउंसमेंट नहीं देगी, उसका केस क्या कर देगी रिजेक्ट कर देगी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट हाँ किसी भी केस में अगर रिजेक्ट किया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एसएससी की एप्लीकेशन तो अपॉर्चुनिटी हर्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके सर एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट किया उसका एक इंटीमेशन उस एसएससी को भी दिया जाएगा या और उसके ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को भी दिया जाएगा। अब ओके अब मान लो मैटर रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई बेटा, पर अगर मैटर एक्सेप्ट हो गया उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो कैसे किस में क्या होगा सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मैटर को एग्जामिन करेगी, अगर एसएससी ने पर्सनली का अप्लाई किया तो उसको मौका दिया जाएगा। सर इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए 90 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर सर 90 डेज के अंदर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपना प्रोनाउंसमेंट अपना ऑर्डर पास कर देगी। पर हाँ अगर जो मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है दे डिफर इन देयर ओपिनियन, तो सर जैसे अपील के केस में क्या होता है मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है, यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, अगर इफ द मेंबर डिफर इन देयर ओपिनियन तो वो खुद अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उस मैटर को रेफर कर देंगे, उस केस को रेफर कर देंगे टू दी एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ध्यान रखना नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी अलग चीज होती है, ये जो एडवांस रूलिंग वाला है उसका अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग ही होता है, उसको दिया जाएगा रेफर, खुद मैटर रेफर कर देंगे, और अगर इन्होंने रेफर किया मैटर को तो विद इन 90 डेज वो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑर्डर पास कर देंगे, जजमेंट पास कर देंगे बेटा। ओके अब सर मान लो उसने ऑर्डर पास कर दिया, किसने, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बेटा। ओके अब सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो अब इससे अगर आपको कोई शिकवा है कोई शिकायत है तो सर इसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, पर
अपील 34 एडवांस रूलिंग के पास अपील हो सकती है। अच्छा, आप भी अपील कर सकते हो, डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, क्लियर। अब अपील करने का टाइम कितना मिला, 30 डेज। जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ 34 एडवांस रूलिंग का, उसके 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। और अगर लेट हो गए और अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है तो अपील 34 एडवांस रूलिंग आपको 30 दिन का टाइम और दे सकती है, एक्सटेंशन दे देगी बेटा। 30 दिन प्लस 30 दिन का आपको टाइम मिल गया अपील करने का। ओके, अब अपील फाइल हो गया बेटा। अब अपील को वो एग्जामिन करेंगे। सर, अब अपील कहाँ कहाँ से आएगी बेटा, या तो असिस्टेंट से आएगी, या डिपार्टमेंट से आएगी, या फिर अपील अथॉरिटी, या फिर एडवांस रूलिंग खुद ने मैटर को रेफर करके इनको दिया था बेटा। तीन सोर्स है अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन आने का। आ गया सब, अब वो मैटर को एग्जामिन करेंगे। सर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हर्ट देंगे और वो ऑर्डर पास कर देंगे विद इन 90 डेज। जिस दिन उनको ये एप्लीकेशन आई उसके 90 डेज के अंदर ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। पर हाँ, अगर स्टिल अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डिफर करते हैं, उनके मेंबर्स जो है वो डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन, तो केस को वापस असिस्टेंट को लौटा देंगे और बोल देंगे तू जा भाई, हमसे ना हो पाएगा। और इस केस में ऐसे केस में माना जाएगा कि एज इफ नो एडवांस रूलिंग हैड बीन गिवन इवन बाय द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑल्सो। बेटा ये मानेंगे हमने कोई रूलिंग दी नहीं बेटा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी कोई रूलिंग नहीं दी। अब आप रेफर कर रहे गुड कंसल्टेंट और झगड़ा करते रहे डिपार्टमेंट से, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो कोई रूलिंग पास नहीं करी। क्योंकि अगर गलती से भी गलत रूलिंग पास होगी तो इट इज बाइंडिंग, इसलिए बेटर नॉट टू गिव एनी सच अनाउंसमेंट। ओके, प्रोनाउंसमेंट सॉरी। ओके, अब साहब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया, इसकी कॉपी असिस्टेंट को भी दी जाएगी और एप्लीकेंट को भी दी जाएगी और ज्यूरिसडिक्शनल कंसर्न ऑफिसर को भी दी जाएगी बेटा। प्लस अब साहब इन्होंने जो ऑर्डर पास किया, भले एडवांस रूलिंग था या अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई ऑर्डर पास किया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, एंड इफ द मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, देन बेटा मिस्टेक शुड बी अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो विद इन 6 मंथ ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब वो मिस्टेक भले असिसी ने बताया डिपार्ट ऑफ उस कंसर्न अथॉरिटी को, या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया उस कंसर्न अथॉरिटी को, या अथॉरिटी को खुद को पता पड़ गया कि मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाई विद इन 6 मंथ। पर हाँ, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते वक्त अगर असिसी की लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड विल बी गिवन टू दी असिसी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था सेक्शन 103 कि ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो प्रोनाउंसमेंट दिया है या अपील अथॉरिटी ने जो प्रोनाउंसमेंट दिया है किस पे एप्लीकेबल है, ये उसी असिसी के लिए एप्लीकेबल है जिसने ये प्रोनाउंसमेंट लिया है, जिसने ये एप्लीकेशन दी थी। मतलब सेम मैटर अगर किसी और का है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। दिस इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एसएससी टू हुम इट इज गिवन प्लस ज्यूरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर, क्लियर, उसके लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एसएससी ओनली, किसी और के लिए बाइंडिंग नहीं है। आइए सेक्शन 104 बोलता है क्या, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज। अगर कभी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को पता पड़ गया, या तो ऑफिसर ने शिकायत करी या खुद को पता पड़ गया क्या कि आपने, या फिर अपील अथॉरिटी को पता पड़ गया कि आपने फ्रॉड किया था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, झूठ बोला, गलत एविडेंस दिए थे, जिसके बेस पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने प्रोनाउंसमेंट दे दिया था, तो सर दोज अथॉरिटीज हैव द पावर टू विड्रॉ द प्रोनाउंसमेंट, एंड अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया तो इट विल बी विड्रॉन एब इनिशियो, और यह माना जाएगा कि इन्होंने कभी प्रोनाउंसमेंट दिया ही नहीं। और ध्यान देना बेटा, ऐसे केस में सर अब ऑफिसर के लिए बाइंडिंग नहीं रहा बेटा, विड्रॉ हो गया तो अब ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस वगैरह दे सकता है अगर डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बनता तो। पर शो कॉज इश्यू करने का मान लो टाइम निकल गया, याद है 2 साल 9 महीने और फ्रॉड केस में 4 साल 6 महीने, तो ऐसे केस में यहाँ पे बोल दिया है कि जिस दिन असिस ने अप्लाई किया था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, और जिस दिन हमने ऑर्डर पास किया था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर पास किया, और जिस दिन डिपार्टमेंट, आई रिपीट, जिस दिन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर पास किया और जिस दिन उन्होंने उसको वॉइड डिक्लेयर करके विड्रॉ किया, दिस टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड वाइल काउंटिंग द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 73 और 74, क्लियर, डन। अच्छा ध्यान बेटा, अच्छा दिस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया ये बाइंडिंग होता है, पर अगर लॉ ही चेंज हो गया या सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, फैक्ट चेंज हो गया, तो ऑब्वियस बात है ये बाइंडिंग नहीं रहेगा बेटा। ओके सर, सेक्शन 105 बोलता है पावर्स ऑफ अथॉरिटी और अपील अथॉरिटी। सर जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है हमेशा, सिविल कोड के पास जो पावर है वो सारे पावर इनको दिए गए हैं, इंडियन पिनल कोड यहाँ पे एप्लीकेबल है, इनके पास पावर है, डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आपको नोटिस इशू करके बुला सकते हैं, इंस्पेक्ट आपको एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं बेटा, ये कमीशन इशू कर सकते हैं, क्लियर। ये सब पावर जो नॉर्मल ऑफिसर के पास होते हैं वो तो इनके पास है ही है बेटा, क्लियर, डन। एंड सर लास्ट सेक्शन है सेक्शन 106 प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी और अपील अथॉरिटी। सर ध्यान रखना, अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हो या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हो, यहाँ पे इनको बोला हुआ है यू कैन फॉलो योर ओन प्रोसीजर, हमने आपके लिए कोई प्रोसेसर लेट डाउन नहीं किया है, आप अपनी वर्किंग अपने हिसाब से करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, दे विल फॉलो देयर ओन प्रोसेसर, बोथ द अथॉरिटीज बेटा, क्लियर, डन। ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी खत्म होता है अब। और ध्यान देना बेटा, अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती, इट इज बाइंडिंग टू द एसएससी एज वेल एज इज ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर इन रेस्पेक्ट टू दैट एसएससी अनलेस लॉ हैज बीन अमेंडेड और फैक्ट्स हैव बीन चेंज्ड, क्लियर। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे अगर अप्लाई करना हो तो सोच समझ के करना है,
क्लियर, एडवांस रूलिंग जो ऑर्डर पास किया है इसके अगेंस्ट भी अपील होती है, केवल अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की अपील होती है, किसी और को अपील नहीं होती है। और उसको भी 30 दिन प्लस 30 दिन में अपील नहीं करी तो बाद में कभी अपील नहीं कर पाएंगे और वही बाइंडिंग हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ किन के पास जाइएगा बेटा। क्लियर, डन, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। इसी के साथ एडवांस रूलिंग चैप्टर भी चैप्टर 21 खत्म होता है। अब पढ़ते रहिए, माहौल बी एनर्जेटिक बी पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।